मध्य प्रदेश की विधानसभा में विदाई समारोह के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। सत्र इसी महीने बुलाए जाने की संभावना भी है। इस एक दिवसीय सत्र में ग्रुप फोटो और अनुपूरक बजट पारित हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इसको लेकर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर विरोध जता दिया है। अजय सिंह का कहना है, विधानसभा के इतिहास में सबसे छोटा 5 दिन का मानसून सत्र बुलाकर उसे महज 2 दिन में खत्म कर देने वाली सरकार को विशेष सत्र बुलाने का जो है कोई अधिकार भी नहीं। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सियासत, अजय सिंह ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। विधानसभा को बच्चों का खेल समझ रही सरकार, कांग्रेस के इनकार के बाद कैसे होगा विदाई समारोह। मध्य प्रदेश विधानसभा में विदाई समारोह के लिए एक दिवसीय सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो सत्र इसी महीने बुलाया जा सकता है। इस एक दिवसीय सत्र में ग्रुप फोटो और अनुपूरक बजट प्रस्ताव पारित हो सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि 42 दिन पहले ही विधानसभा के इतिहास का सबसे छोटा 5 दिन का सत्र बुलाकर उसे 2 ही दिन में खत्म कर देने वाली सरकार को विशेष सत्र बुलाने का कोई अधिकार नहीं। जब सदन में जनहित के विषयों पर कोई चर्चा ही संभव नहीं तो सदन का विशेष सत्र बुलाना बेमानी है। सत्र पर रोक लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। अजय सिंह का कहना है, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाने से सदन छोड़कर भागी सरकार का प्रस्तावित विशेष सत्र औचित्यहीन है। इसका कांग्रेस विधायक दल बहिष्कार और पुरजोर विरोध करेगा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र का मंदिर और प्रजातंत्र की सर्वोच्च संस्था विधानसभा को सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया है। राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा, अकारण एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना बताता है कि सरकार ने विधानसभा को कठपुतली बनाकर रखा है। जब सेशन चल रहा था तब इन्होंने स्थगित किया, अब किस बात के लिए विशेष सत्र बनाने का प्रयास कर रही है विधानसभा की? देखिए, अपनी जो हमारे जो CLP लीडर हैं उन्होंने जो कहा है पार्टी उसके साथ है। जो इसके मामले में जो निर्णय लेता है हमारा जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष लेते हैं और उनने जो भी निर्णय लिया पार्टी उसके साथ खड़ी है। अजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए। कांग्रेस विधायक दल ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए जनता के साथ वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर करने के लिए शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन विपक्ष के अधिकार को जिस तरह सदन के अंदर रौंदा गया उसे पूरा प्रदेश जानता है। पत्र में अजय सिंह ने लिखा है कि अफसोस ये है कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आप भी सदन के अंदर विपक्ष के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने में असफल रहे। कांग्रेस के आरोपों के बीच BJP का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि विधायकों की सम्मान पूर्वक विदाई हो। कैसी विदाई चाहिए यह फैसला कांग्रेस को करना है। वहीं जानकारों का कहना है, अगर सत्र बुलाया जा रहा है तो कांग्रेस को उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि BJP के विधायकों की संख्या को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक सद्भाव का माहौल लगातार रहा है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद भी ये सद्भावना बनी रही है और स्वाभाविक है, विधानसभा अध्यक्ष जी ने अगर कोई आग्रह किया है और उसका कारण केवल इतना है कि वो विदाई की कोई औपचारिकताएं पूरी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कोई गुरेज होने का कारण नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसमें भी अगर सियासत ढूंढे तो समझा जा सकता है कि उनकी बेचैनी किस कदर है। अभी चर्चाओं में है कि विधानसभा का एक और सत्र जो है, एक संक्षिप्त सत्र जो है बुलाया जा सकता है, जिसमें एक विदाई सत्र जो कह सकते हैं, क्योंकि विदाई की जो औपचारिकताएं हुई थी विधायकों को, जो विधायकों की सामूहिक जो फोटो होना था वो जैसा कुछ कार्यक्रम हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक विदाई सत्र जो है बुलाने की एक कयावत चल रही है, जिसका नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जो है इसका पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पिछले बार हमने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में एक मांग रखी थी जिस पर चर्चा होना थी,
और सरकार ने या विधानसभा ने एक निर्णय लेते हुए उस सत्र को समाप्त कर दिया था, जिसमें वो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। उसको लेकर अजय सिंह ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि अगर इस तरह की कोई सत्र बुलाया जाता है तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो, और अगर नहीं होती है तो वो पुनः इस सत्र का बहिष्कार करेंगे। यह निश्चित ही चिंताजनक बात है। 25 से 29 जून तक बुलाए गए मानसून सत्र के जल्द खत्म होने के चलते विधानसभा की परंपरा के मुताबिक सदस्यों का सामूहिक फोटो सेशन और विदाई समारोह नहीं हो पाया था, जबकि विधानसभा की परंपरा रही है हर विधानसभा के आखिरी सत्र में फोटो सेशन होता रहा है। ऐसे हालात में अब अगर ये परंपरा टूटती है तो स्पीकर सीतासरन शर्मा के कार्यकाल पर सवाल उठेंगे। लेकिन विशेष सत्र को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत तो कतई नहीं कहे जा सकते। मध्य प्रदेश विधानसभा का आखिरी सत्र यानी कि मानसून सत्र का जो सत्र था उसकी हम बात करें, विवादों में रहा। जैसे ही उसका आगाज हुआ उसको लेकर विवाद रहा कि 5 दिनी सत्र बहुत छोटा है, लेकिन जैसे तैसे उस सत्र को 2 दिन में निपटा दिया गया। मसला था अविश्वास प्रस्ताव का, जिसको लेकर एक तरह से जो लकीरें पहले से खींची गई थी, जो एक रवायत थी उसको भी नहीं निभाया गया। ना ही एक दूसरे के बारे में नेताओं ने गुडी गुडी बात कही, ना ही सत्र के संचालन को अच्छी तरह से चलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ हुई, ना ही फोटो सेशन हुआ, और सत्र जो है वो वैसे ही ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष जो है नई कोशिश करते या कवायद करते नजर आते हैं, फिर से सत्र बुलाते हैं। एक दिन ही सत्र ही सही, लेकिन इस बार जो है अड़ंगा नेता विपक्ष ने डाल दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी तब तक किसी भी सत्र में कांग्रेस पार्टी जाएगी नहीं, यानी कि मान मनोबल की जो कवायद है वो पूरी नहीं हो पा रही है और जो बेल है वो परवान नहीं चढ़ पा रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ में अखिलेश, चैनल 1।